हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं यॉकडेल मॉल तो मेरे फ्रेंड का मैकबुक एयर M1 लेने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड। ओके गाइस, सो अभी हम पहुंच चुके हैं यॉकडेल मॉल और यहां पे अभी हम आ चुके हैं एप्पल स्टोर में। तो चलिए चलते हैं अंदर। चेक कर ली, देखते हैं अभी मेरे फ्रेंड्स में से कोई लेने वाला है तो देखते हैं, अगर आएगा तो उसका भी मैं रिव्यू डाल दूंगा। और अभी हम पिकअप कर रहे हैं मैकबुक एयर M1। थैंक यू। ओके गाइस, सो अभी हमने पिक कर लिया है अपना मैकबुक। घर पे चलेंगे और घर पे जाके करेंगे अनबॉक्सिंग कि कितने टोटल कॉस्ट में मिला है, और स्टूडेंट डिस्काउंट की भी बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। ओके गाइस, सो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और करेंगे अनबॉक्सिंग मैकबुक एयर M1। ओके गाइस, सो अभी हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट हमें दो मिले हैं, उसमें से जो सबसे पहला डिस्काउंट है वो था एजुकेशनल डिस्काउंट, जिसमें एप्पल के हर प्रोडक्ट पे आई थिंक 10% अराउंड 10% ऑफ हमें मिलता है अंडर एजुकेशनल डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है $210 का। यस, $210 का हमें मिला है गिफ्ट कार्ड, जो कि हम अवेल कर सकते हैं एनी टाइम। लाइक उन्होंने उसकी कोई एक्सपायरी नहीं सेट करके दी, लाइक हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे डिस्काउंट्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी डील में हमें मिला है मैकबुक एयर M1। ओके, सो अभी हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी हुई मैकबुक एयर M1 लैपटॉप की। तो सबसे पहले इसका जो बेस मॉडल होता है वो होता है 8GB कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसकी प्राइस है 1169 प्लस टैक्स। बट मेरे फ्रेंड ने उसको कस्टमाइज़ करके लिया था, लाइक उसको 8GB रैम कम पड़ रही थी तो उसने कस्टमाइज़ किया था और उसको 16GB किया था। तो 16GB की उसकी प्राइस आई है टोटल $1500 यानी $1500, और उसमें $210 का जो गिफ्ट कार्ड था वो भी इंक्लूड है। सो इफ़ यू कैलकुलेट एवरीथिंग तो उसको पड़ा है $1300 यानी $1300 में, जो कि काफ़ी अच्छी डील है, जो कि उसका लैपटॉप कस्टमाइज वाला था
और बेस मॉडल नहीं था तो उसको बुक करवाना पड़ा था, और क्योंकि एप्पल स्टोर में वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, तो 11 दिन बाद उसका पैकेट डिलीवर हुआ और हमने पिक किया। सो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर जब हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर, और वहाँ पे जब हम पिक करने जाते हैं तो वहाँ पे वो आईडी मांगते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टूडेंट डिस्काउंट उसमें किया हुआ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी या उसमें लाइक पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके कॉलेज का आईडी हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, और लाइक बटन को प्रेस करके जाना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।